किसान भाइयों, राम राम। मैं बात करता हूँ ट्रैक्टर की। मेरा नाम अजय राजपूत, जिला हरदा का निवासी हूँ मैं। मेरे पास पहले से जॉन डीयर ट्रैक्टर है, 10 साल पहले से, और अभी वर्तमान मैंने आयशर ट्रैक्टर लिया है। तो मैंने इनको दोनों को जब चलाया तो मेरे को कुछ खासियत लगी जॉन डीयर और आयशर में, कि जॉन डीयर ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा खाता है, और अपना जो आयशर ट्रैक्टर मैंने जो लिया है, तो मैंने इसी साल लिया, तो मेरे को इतना फ़र्क पड़ा कि कम से नहीं 1 घंटे में 1 लीटर जॉन डीयर ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा ले रहा है, और बौनी बखरनी में जैसे मैंने चलाया तो ये 1 लीटर घंटे प्रति घंटे पीछे 1 लीटर कम ले रहा है। ये मैंने इसमें खासियत। दूसरी बात ये देखी कि अगर ट्राली की बात करें तो इसमें बम्फर भी इतना हेवी दे दिया कि ट्राली घाट कैसे ही हो तो ये ट्रैक्टर अपना आगे से उठ नहीं सकता। और मैंने उस ट्रैक्टर को चलाया तो वो ट्राली वर्ग में आगे से ज़्यादा उठता है। अगर फिर दूसरी बात अपन प्लव की करें तो ये जो ट्रैक्टर को मैंने इस साल प्लव पे चलाया है, इसको तुम जाने दो कितने ही, बाकी ये स्लिप नहीं मारता। और जॉन डीयर ट्रैक्टर जो है उसको अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा फंसा दिया तो वो स्लिप मार के खड़ा रह जाएगा, घूमना चका चालू हो जाएगा। तो प्लव में भी ये ट्रैक्टर अच्छा है, तो इसलिए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि इसकी जो सीट है, ये सीट बहुत बढ़िया सीट है। अच्छा, उसकी साइड में जो साइड गियर है तो हम चलाते हैं तो हमको दिक्कत ना आती। पहले क्या करते थे कि गियर लगाने के लिए नीचे होना पड़ता था, और आप बिल्कुल बराबर है तो किसान हम ही एकदम बैठे बैठे वहीं के वहीं लगा सकते हैं, तो अपने को दिक्कत नहीं आती। अच्छा, तीसरी बात करते हैं अपन इसकी हाइड्रोलिंग की। तो अपन जैसे बोनी करते हैं या बखरनी करते, जो भी है, एक दान अपन ने जो इसको सेट कर दिया तो वो सेट आखिरी तक वो सेट ही रहेगी। और दूसरी बात, जॉन डीयर में क्या करते थे अपन, बोनी करते या बखरनी करते थे, एक दान सेट करने के बाद वो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होने लगती थी। और इसमें ये अपना बहुत फ़ायदा हुआ कि एक दान सेट करने के बाद आखिरी तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बढ़िया हाइड्रोलिंग का है इसका। की बात करते हैं कि ये गाड़ी एयरकूल्ड गाड़ी है, इसमें नो मेंटेनेंस है। अगर अपन बाय चांस कोई ड्राइवर को भी दे देते हैं तो अपने को इसमें ये टेंशन नहीं रहता कि यार ट्रैक्टर में कूलेंट नहीं है, कि इसमें पानी डालना है, कि इसमें गर्म होगा कि वो। ये नो मेंटेनेंस गाड़ी है, इसमें आप पानी डालो कूलेंट डालो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे अन्यथा दूसरे ट्रैक्टर में आपको डालना पड़ता है। उस अपन चौथी बात कर, आजकल 548 485 की मांग बढ़ गई है, मगर 548 की रीसेल सबसे ज्यादा है। मैं 20 साल से सभी कंपनियों के ट्रैक्टर बेच रहा हूँ, खरीदने बेचने का मेरा काम है, और अब कुछ समय से देखने में आ रहा 548 की मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो रही है। अब जब भी 548 लाते हैं तो तुरंत बिक जाता है, और कस्टमर बहुत ज्यादा पैसे में बिकता है। इतना सोनाली का 745 750 नहीं बिकता।